रोवत का है भले ही रोवत है तो किताब तुमका हम कहा लाए के भाई। हाँ साहब नमस्कार। हाय खाते आए थे हम है बढ़िया लड़कों में भेजो दिमाग कुछ तो गवर्नमेंट ऐसा ऐसा पैसा खर्चा करते करते हमको फायदा तो उठाओ भाई। बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि आप इस बच्चों अब फसल को देखते हैं 6 महीने खाने के लिए तो नस्ल को भी देखो भैया जो आगे बहुत आगे जाना है। जो बच्चे नहीं जाते हैं उनका बोला मीटिंग करत है कहा थे कि बच्चे का सबका भेजो स्कूल जाते हैं बच्चे पढ़े अच्छी पढ़ाई होती है और खेल कूद भी खिलाते हैं कबड्डी फुटबॉल भी खेलते हैं अच्छे अच्छे पढ़ाई होती है मैथ इंग्लिश और सर भी अच्छे हैं मैडम जी भी पढ़ाती हैं। यहाँ आया था तो यहाँ 100-125 लड़के एडमिट थे और उसमें हाजिर 40-45-50 हुआ करते थे फिर मेरे आने के बाद मेरे अथक प्रयास के बाद गार्जियन को समझा करके बुझा करके उसके बाद से बच्चों की संख्या अब अच्छी चल रही है हमारे यहाँ। बच्चे मदरसा जाने के बाद ही स्कूल आते हैं 2-1 घंटे बाद पहुँचते हैं हमने उसके लिए भी छूट दे रखी कि आप 2 घंटे बाद आए तो हमारे स्कूल आएंगे। और स्कूल में हमारे आने के बाद हमने अपने प्रयास से अच्छी प्रगति करने का प्रयास किया है और हम अपने प्रयास से संतुष्ट भी हूँ कि मुझे अपने प्रयासों की सफलता मिली है। मैं रोज़ आज भी अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो हम उसके घर पर फोन करेंगे या घर जाएंगे या किसी बच्चे को भेजेंगे हम बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने में सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। बच्चे जो है पढ़े नहीं जाते हैं तो उनको समझाया जाता है कि मतलब स्कूल जाओ और एक खेत पात के जरियत से नहीं अपना सुधार करिए बच्चे स्कूल जाओ। जो बच्चे नहीं जाते हैं तो घर घर जाया जाता है जाते हैं जो मास्टर लोग जाते हैं उनके साथ में हम भी जाते हैं कहते हैं बच्चन की स्कूल भेजो। गांव को अच्छा बनाना है गांव के लोगों को अच्छा बनाना है तो इसके लिए आपको हिंदी अंग्रेजी विज्ञान ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है और इसको पढ़ाने के लिए आप जब सरकारी स्कूल में भेजेंगे तभी उनको इसका ज्ञान हो पाएगा। बच्चे उससे वो उनको लग रहा है कि हाँ हम यहाँ स्कूल में आके हमारा सार मतलब पूरे व्यक्तित्व का विकास हो रहा है पढ़ने के साथ साथ बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो वो सीख रहे हैं यहाँ पर क्रिएटिविटी ड्राइंग है क्राफ्ट का सामान हम लाते हैं बच्चों को देते हैं क्राफ्ट सीखते हैं बच्चे और गाना है नाचना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे प्रतियोगिता करते हैं निबंध प्रतियोगिता है ये सारी चीज़ें तो बच्चों की संख्या ही बढ़ी और बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर।